गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखिए दीप का हालत। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी जब तक ऑफिस नहीं जाता ना तो घर पे पूरा भागदौड़ मचा रहता है, सभी बिजी। मैं, मेरी सासू माँ, बस दीप और बेबी थोड़ा फ्री रहता है। बेबी तो उठ जाता है, वो खेलने में बिजी रहता है और दीप सोने में बिजी रहता है। पति जी भी ऑफिस के लिए निकल गए तो हम थोड़ा फ्री हो गए, तो सोच रहे कि हम भी थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मेरा ग्रीन टी। बात क्या है ना, बीच में थोड़ा, मतलब पहले थोड़ा बहुत जिम जाया करते थे, ऐसे थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हो जाता था, पर अभी बेबी, छोटे बेबी के लिए ना थोड़ा बहुत घर पे ही टाइम स्पेंड ज़्यादा हो रही है, बाहर भी जाना नहीं हो रहा, जिम भी नहीं कवर हो पा रहा, तो सब कुछ क्या बोले, एकदम सब कुछ घर पे ही हो गया, तो वेट भी गेन होने लगा, वो भी ज़्यादा ही वेट गेन होने लगा। और जब कुछ भी कवर नहीं हो रहा ना तो खाना भी ज़्यादा खाने लगे, तो वेट ज़्यादा बढ़ गया। तो सोच रहे कि थोड़ा मेंटेन करना ज़रूरी भी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए कई दिनों से ग्रीन टी लेना शुरू किए, देखते हैं क्या होता है। हार्दिक कोथाय जाच्छो, एटा रेखे दे तो। हार्दिक कोथाय जाच्छो तुमि? दाड़ाओ, बाबाके बोलबो, बाबा आसुक, आमि बाबाके बोलबो, आसते दाओ बाबाके। না ভালো ছেলে কে আর দুষ্ট ছেলে কে? হম লোগ অয়েল লাগায়েঙ্গে হ্যাঁ না, বলো 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 বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এখন কি করবো বলো, বলো বলো, অয়েল লাগায়েঙ্গে। আবি 3 বাজ রে হ্যায়, हम लोग लंच तो ख़त्म कर लिए और लंच करके बेबी भी सो गया, दीप भी सो गया, सासू माँ भी सो गए, तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और फिर 5:30 तक पति जी आ जाएंगे, फिर फुल बिजी, फुल मतलब तब ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं लगता, मतलब फिर से थोड़ा बहुत हलचल मच जाता है घर पे, तो उस टाइम ब्लॉग बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, बाय बाय। और हाँ, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बाय बाय।